हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज बनाते हैं आलू और प्याज से एकदम बढ़िया सा नाश्ता। एकदम 10 मिनट के अंदर ही आप इसे बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत आसान रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी कुरकुरी सी लगती है, तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं। तो यहाँ पे 3 आलू लिए हैं मैंने, जिसको कि कद्दूकस कर दिया है और इसको मैंने 1 से 2 बार धो के पानी में ही रख दिया था, ताकि आलू हमारा काला नहीं पड़े। अब अच्छे से पानी इसमें से निचोड़ के एक दूसरे बर्तन में हम इसको रख लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है मीडियम साइज़ का, इसको भी इसमें डाल देते हैं। और अब यहाँ पर हरा धनिया थोड़ा सा डाल दूँगी और 1 चम्मच से मैंने यहाँ पे लहसुन और हरी मिर्च को क्रश करके डाल दिया है। 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डाल दिया है, 1/2 चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर, 1/2 ही चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार, और 1/4 चम्मच से लाल मिर्च। और ये मैंने बाइंडिंग के लिए यहाँ पे 2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर के और 2 चम्मच ही चावल का आटा भी डाला है। और अब इसमें मैं 1 चम्मच से चाट मसाला डाल देती हूँ। तो मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स का डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हमने मिला लेना है, बढ़िया सी बाइंडिंग हो जाए उतना हमने इसमें कॉर्नफ्लोर या फिर चावल का आटा डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मुझे बाइंडिंग नहीं हो रही थी, थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा इसमें और डाल दिया है। अब यहाँ पे ये बढ़िया से देखिए मिक्स भी कर लिया है मैंने। तो एक बार फिर से मैं इसको चेक कर लेती हूँ कि ये बाइंड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये अच्छे से बाइंड हो रहा है, तो अब इसमें मैं नहीं डालूँगी कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा कुछ भी। और अब हाथ साफ़ कर लेंगे और फटाफट से तेल गरम कर लेते हैं। तो यहाँ पे तेल गरम करने के लिए भी चढ़ा दिया है और इसकी मैं इस तरीके से टिक्की जैसा बना के तैयार कर रही हूँ। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं या फिर अपने हिसाब से कोई भी शेप आप दे सकते हैं। तो जितना आराम से एक बार में आ जाए उतना हम कढ़ाई में डाल देंगे और 1-2 सेकंड के लिए इसको हाई फ्लेम पे तलेंगे। उसके बाद मीडियम आंच पे अच्छे से पकने तक इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा नीचे से पक गया था, तो मैं इसको पलट देती हूँ और इसी तरीके से इसको मीडियम आंच पे अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद लास्ट में थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पे एकदम बढ़िया सा क्रिस्पी इसको कर लेंगे। तो इस तरीके से हम इसको पका लेते हैं। तो यहाँ पे ये बढ़िया से पक चुका है, तो इसको निकाल के रख लेंगे और इसी तरीके से हम बाकी का अपना नाश्ता बना के तैयार करेंगे। तो है ना, बहुत ही आसान सी रेसिपी और बहुत जल्दी से आप इसे बना के खा सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी एकदम बनती है। तो इसको आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अपनी मनपसंद चटनी, तीखी चटनी के साथ या फिर मीठी चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ के साथ रेसिपी को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।